और ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं लंदन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गॉड ऑफ ऑनर ले रहे थे। तो ये लंदन से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। और अब मोदी, ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पर, ये गार्ड ऑफ ऑनर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के लिए लंदन दौरे पर हैं और कुछ देर पहले, जैसा कि हम जानते हैं, प्रधानमंत्री ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने ट्वीट कर डेविड कैमरून को शुक्रिया अदा किया था स्वागत के लिए। 3 दिनों का दौरा है लंदन में ब्रिटेन का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर का यह प्रोसेस चल रहा है। तो ये था पूरा प्रोसेस गार्ड ऑफ ऑनर का। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर है ब्रिटेन में। कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर डेविड कैमरून का शुक्रिया अदा किया था इस शानदार स्वागत के लिए, और अब ये उच्च अधिकारियों से वहां पर मुलाकात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून खड़े हैं। 3 दिनों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है ब्रिटेन का। और उस वक्त सीधा लंदन से मेरे सहयोगी आकाश सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आकाश, प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, और क्या है आगे का कार्यक्रम? हेलो आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज अभी पास आ रही है। वैसे मैं दरअसल यहाँ ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ एक तरफ समर्थक है और एक तरफ प्रोटेस्टर्स है, और ये ठीक सेंट डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर है जहाँ दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात आज तय है और डेलीगेशन लेवल टॉक भी साथ में होने हैं। जी आकाश, अभी गार्ड ऑफ ऑनर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके बाद का कार्यक्रम क्या है मोदी प्रधानमंत्री का? देखिए, आप तो रंगारंग विजुअल्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं ठीक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ के बीच में हूँ,
और दो गुट है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों का गुट है और दूसरी तरफ उनके विरोधियों का गुट है। विरोधियों में कुछ मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थक है, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, कुछ नेपाल के लोग हैं जो ब्लॉकेड के विरोध में इस वक्त यहाँ पर है और बहुत शोर मचा रहे हैं, और दूसरी तरफ समर्थक है जिनका ये कहना है मोदी समर्थकों का कि हम कंस्ट्रक्टिव करके दिखाएंगे, हम पॉजिटिव करके दिखाएंगे, हम इनकी तरह चिल्लाएंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे लेकिन सॉलिड तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, शांत रह के बिना चिल्लाए अपनी बात रखेंगे कि भारत और यूके के रिलेशन बेहतर होने चाहिए और इसी के लिए हम काम करते रहेंगे। बहरहाल आपने कार्यक्रम के बारे में पूछा, तो अभी गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में प्रधानमंत्री यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट आने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा है। तो प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में और उसके बाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे दोनों नेता। ये काफी महत्वपूर्ण होगा समझना कि ब्रिटेन का पर्सपेक्टिव क्या है और भारत का पर्सपेक्टिव क्या है, दोनों रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो ये अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की जो मूर्ति है पार्लियामेंट के परिसर में, वहां पर जाएंगे और वहां से आगे एक तरह से इतिहास रचने वाला वो क्षण होगा जब वो ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे, ज्वाइंट सेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों होंगे। तो वो कार्यक्रम होगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सीईओ से मुलाकात करेंगे, चुनिंदा 500 लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो उनका जो अगला पड़ाव होगा जी, वो चेकर्स होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कंट्री साइड वाला घर। जी बिल्कुल, तो काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम आकाश है बता रहे हो, जिस तरह से आवाजें आपके आ रही हम समझ सकते हैं कितने भीड़ में आप हैं। और ये तस्वीर जो कुछ देर पहले आपने देखी गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए, इसके बाद प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पर है और इस दौरे पर पूरे विश्व की नजर है। फिलहाल आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार अब इस खबर के साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे लेकिन